जय हिंद दोस्तों। दो बातें हैं जो बहुत बड़ी निकल के सामने आ रही हैं। पहली तो अमित शाह जी की तरफ से आ रही है और दूसरी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात से, क्योंकि ये बात रिलेटेड है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। काफ़ी समय हो गया है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बीच में डॉक्टर सुधीर गुप्ता को लेकर जो सारे बवाल मचे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो फ्रेंडली मीडिया में लीक कर दी थी और किस तरीके से उन्होंने उसको कंक्लूसिव बता के कई सारे लोगों को हताश कर दिया था जो इस मामले में लगे हुए हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जिस तरीके से सामने आके सारी चीज़ें कहीं, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों का हमें जिक्र देखने को मिला, जिसमें कि ये इस तरह के लोगों का चेहरा भी सामने आया जो लोग ये चाहते हैं कि केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाने से मेरा मतलब ये है कि एक तरफा नतीजा आ जाए कि भाई ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो कि शुरुआत से कहा जा रहा है कि हाँ भैया वही था, अब ये केस ख़त्म करो। इस तरह के लोगों का चेहरा भी उठ के हमारे सामने आया। लेकिन वही कहते हैं ना कि झूठ कितना दूर तक जा पाता है। इसके बाद फिर एम्स की भी एक बयान सामने आया सीबीआई के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो बयान है वो कंक्लूसिव नहीं है। प्लस कई लोगों ने ये कहा कि भाई आखिर ये पावर जो है वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता को दी किसने है कि वो पब्लिक के सामने जाके, पब्लिक डोमेन में जाके इस तरह की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को सामने पब्लिक के रख रहा है, वो भी बिना किसी अथॉरिटी के, जबकि कि उनके पास वो पावर ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि वो इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में जाके कर सके। इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने आपत्ति जताई थी, उन्हीं में से एक थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी, और उन्होंने कहा था कि भैया मैं इस बात का मेक श्योर करूंगा कि इस बात की पूरी जांच हो कि आखिर डॉक्टर सुधीर गुप्ता को ऐसी कौन सी जल्दी आन पड़ी थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जाके पब्लिक डोमेन में वो भी ऐसे न्यूज़ चैनल्स के साथ शेयर करी जिनके ऊपर अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी एक जो जानकारी ईश्करण भंडारी के हवाले से आ रही है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर स्वामी हैज़ रिटन टू ऑनरेबल पीएम मोदी टू कंसिडर डायरेक्टिंग हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिव्यू एम्स रिपोर्ट एंड सेटअप मेडिकल बोर्ड टू रीडू द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इन सुशांत सिंह राजपूत केस। ही इज कोटेड लैप्सेज विच मेक्स इट मैंडेटरी। आपको बता दूं कि एम्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कूपर हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसमें करीब 7 से 8 लैप्सेज का जिक्र था। तो इसी में डॉक्टर स्वामी ने अब पीएम मोदी को लिखा है और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ कंसिडर कीजिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो एम्स की रिपोर्ट को एक बार और रिव्यू करे और एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन करे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करेगी। अब इस चीज़ का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो एम्स की रिपोर्ट आई है और उसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है उसको देखते हुए कई लोगों को इस बात का अब डाउट हो रहा है कि यार वो रिपोर्ट सही होगी या नहीं होगी। तो इस तरह की बातें जो है वो सभी न्यूज़ और मीडिया में चल रही हैं कि भाई उस रिपोर्ट का आखिर अब कैसे भरोसा किया जा सकता है, जबकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने बयानों में ही उस रिपोर्ट का एक तरह से पूरा कत्था चिट्ठा खोल के रख दिया था। तो इसको लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में एक बातचीत है, प्लस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से शुरुआत से लगे हुए हैं और उनका कहना भी है कि यार जांच हो रही है तो पुख्ता तरीके से हो तो ही सही होता, नहीं तो फिर इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उन्होंने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है और उनसे दरख्वास्त करी है कि एक हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा जाए कि वो एम्स की रिपोर्ट का रिव्यू करें और एक और नए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में फॉरेंसिक जांच करेगा। अब इस चीज़ के मायने इसलिए अधिक हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी वो बहुत हद तक इस केस को ख़त्म करने का काम कर सकती है, क्योंकि वहीं से हमें सारे तथ्य मिल सकेंगे कि आखिरी समय में 14 जून को क्या हुआ था। क्योंकि अगर वो चीज़ें एक बार सामने स्पष्ट रूप से आ जाती हैं तो फिर ये कहना सही होगा कि बहुत हद तक चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ जो टीआरपी स्कैम सामने उठ के आया है कि उसमें चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिपोर्टिंग की गई हो या फिर जब ड्रग्स नेक्सस सामने आया एनसीबी के खुलासे के बाद तो उस तरह से जिस तरह से लोगों को एड्रेस किया गया हो, या फिर जो फेक न्यूज़ की जो हम लगातार बात करते रहते हैं कि फेक न्यूज़ को कई न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या लोगों को एक सेंसेशन दिखाने के लिए पैदा कर देते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि वो लोग खुद ही एक फेक न्यूज़ क्रिएट कर देते हैं और उसी न्यूज़ का खुद फैक्ट चेक करके उस न्यूज़ को एक्सपोज भी कर देते हैं। इस तरह के आरोप पिछले कई समय से लग रहे हैं, जिसके तहत फिर बार्क ने एक केस दायर किया था अपनी कंपनी हंसा के थ्रू और उसमें उन्होंने इस बात का आरोप कुछ एक मीडिया चैनल्स पर लगाया था। हालांकि जिस तरह से नाम बाहर आए उन बातों के बारे में फिर पता चला कि भाई वो जो नाम है वो गलत तरीके से बाहर आए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर किसी भी बड़े नेता का कुछ बहुत अच्छा बयान सामने आ नहीं रहा था। ऐसे में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान अब सामने आया है। उनसे न्यूज़ 18 में दिए गए उनके इंटरव्यू में कई सारे सवाल इससे रिलेटेड पूछे गए तो उसमें उन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा, सटीक जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए जनता जो है वो भी एक बैलेंस चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से जो टीआरपी का पूरा खेल चालू किया गया था उस टीआरपी के खेल में
बाद में फिर हथरस को भी जोड़ लिया गया, और भी कई जो देश के मुद्दे हुए उनको भी उसी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करी गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा और मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपको किस हद तक जाना है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि भाई मीडिया ट्रायल्स जो होते हैं, मीडिया ट्रायल्स की क्या ज़रूरी है और क्या नहीं इस बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी चीज़ के सच को छुपाया जा रहा है या किसी चीज़ को सैबोटैज किया जा रहा है और उसके सच को दिखाने का काम मीडिया कर रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वही मीडिया का असली शायद काम भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ इसी चीज़ के बहाने वो TRP को बटोरने का काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तक गलत होता है। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे मैं बोलने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अब सीधी सी बात ये है कि मीडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में अगर मीडिया से हम लोग ये कहें कि भैया आप लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि फिर हम आखिर किसकी शरण में जाएंगे आखिरी में। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भाई कानून व्यवस्था जो है वो नेताओं के आसपास घूमती रहती है, तो फिर आखिरी में अगर जनता को किसी पे भरोसा करना है तो वो किस पे भरोसा करेगी। सबसे बड़ा सवाल आके हमारे सामने ये खड़ा हो जाता है बार बार, हम जब भी सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में कि भाई इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में आम जनता के सामने यही आके खड़ा हो जाता है कि भाई अगर हम अपनी बात उठाना चाहते हैं तो उठाए कैसे। अगर आज मैं किसी को कहता हूँ भैया ट्विटर पे जाके बात कीजिए, वहाँ पे ट्वीट कीजिए, लोगों को अटैक कीजिए, तो जवाब नहीं मिलते लोगों को। ऐसे में लोग हो जाते हैं हताश। और एक आम आदमी के पास सबसे ज़्यादा कमी होती है समय की, और उससे भी ज़्यादा कमी होती है पैसे की। तो ऐसे में ज़रा आप ये सोचिए कि आखिर में एक आम आदमी जाए तो आखिर किसके पास जाए। अगर मीडिया भी इस तरीके से अपनी चीज़ों को उठाना बंद नहीं करता है और सिर्फ उसे चीज़ों को सेंसेशनलाइज करा के दिखाने का काम करता है, तो आप ज़रा सोचिए कि एक आम इंसान के पास आखिर कौन सी राह रह जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं करता है, लेकिन मीडिया समाज का आईना है। समाज में जो चल रहा है अगर उसको मीडिया ही नहीं दिखाएगा तो फिर समाज को सही गलत दिखाने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। और आज की डेट में वैसे भी जो न्यूज़ है वो इस तरह से हो चुकी है कि आपको ये आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इस तरीके से इतना तोड़ मोड़ के, इतना घुमा फिरा के न्यूज़ को बताया जाता है। तो न्यूज़ आज के समय में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो लोगों की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी फेक न्यूज़ हमारे सामने चलती है। ऐसे में अगर हमें कोई सही खबर आके बताता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वही चीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आप आज कोई खबर पढ़ते हैं और कल तक आपको पता चलता है कि वो फेक न्यूज़ थी, ऐसा कई बार होता है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा, और नहीं, और सबसे बड़ी बात, इसीलिए लोग अब शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑनलाइन मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे इनशॉर्ट्स हो गई, ये एप्लीकेशंस आपको क्रिस्प न्यूज़ देती हैं, छोटे शब्दों में न्यूज़ देती हैं, क्रिस्प न्यूज़ देती हैं जिसके कि ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। मतलब फालतू की आपको कोई खबरें नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको काम की खबर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स को इस बात से सबक लेना चाहिए कि भाई जनता जो है, इससे पहले कि वो अपने आप को शिफ्ट कर दे, ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, कहीं आप लोगों का करियर ख़त्म ना हो जाए। जैसा कि HBO और WB चैनल के साथ हुआ है कि आगामी 15 दिसंबर को दोनों चैनल बंद होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का रुझान OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ और ऑनलाइन कंटेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आप न्यूज़ को किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि अब न्यूज़ की मोनोपोली इंटरनेट के कारण ख़त्म होने वाली है और लोगों के पास हथियार है इंटरनेट का कि आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिसकी चाहें वहाँ जाके न्यूज़ देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।